Assalamualaikum, this is me Fia Food and Fashion. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और क्या हालचाल है जनाब? जी हाँ, आज मैं एक ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके चेहरे को और हाथ पाँव को चंद दिनों में ही ग्लो देगी और वाइटनिंग देगी। तो जनाब क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं? जी हाँ, हम वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे जो हमारे घर में ही मौजूद हैं। हम डालने जा रहे हैं हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। ये प्योर हल्दी है, इसको मैंने काट के ड्राई करके फिर इसको पाउडर फॉर्म में लेकर आई हूँ। अगर आपके पास सिंपल हल्दी मौजूद है जो आप बाज़ार से बाय करिए, वो भी आप ले सकते हैं। ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब। चलिए आइए मैं आपको इसके बेनिफिट्स ये बताती चलती हूँ। जी हाँ, ये एंटी एजिंग है, हेल्प्स टू एक्नी है, रिड्यूस स्कारिंग है और ब्राइट करेगा आपकी स्किन को। और अब जो हम दूसरा इंग्रेडिएंट्स लेने जा रहे हैं, जी हाँ हम लेने जा रहे हैं बेसन, वो भी हमारे घरों में मौजूद होता है। तो जनाब इसके भी मैं आपको बेनिफिट्स बताती चलती हूँ। जी हाँ, हम एक्सफोलिएट करेगा आपकी डेड स्किन को, रिड्यूस करेगा ऑयलीनेस को, नरिश करेगा स्किन को और फाइट टू एक्ने। ये हम लेंगे 3 टेबल स्पून के करीब और इसको हम इसके अंदर डालेंगे। 1 टेबल स्पून करीब हल्दी लिए, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने बेसन लिया है पिसा हुआ, और इसके आपको मैंने बेनिफिट्स बता दिए हैं। इसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम लेने जा रहे हैं, ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं वो, जो के हैं मुल्तानी मिट्टी। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके भी चले आपको बेनिफिट्स बताती चलती हूँ। जी हाँ, ये मुल्तानी मिट्टी आपको स्किन बैरियर रिपेयर करेगा, रिड्यूस टू एक्ने है, एब्जॉर्ब करेगा ऑयल एक्सेस को, रिड्यूस टू ओपन पोर्स, और इसके साथ ही आपको हेल्प करेगा डीप क्लीनिंग में, रिमूव वाइट और ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा, इसके साथ आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मैं इसको ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको रखना है ताकि जब भी इस्तेमाल करें ये आपका फ्रेशली ड्राई इंग्रेडिएंट्स पाउडर का जो हमने बनाया है फार्मूला ये रेडी रहे। तो जनाब इसी तरह एयर टाइट बॉटल के अंदर आपने इसको रख देना है। तो चलिए अब इसको हमने किस तरीके से अपने फेस पे, हाथों पे, पाँव पे किस तरह अप्लाई करेंगे, तो जनाब अब बताते हैं हम आपको। ये लिया मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ये पाउडर फॉर्म का हमारा मिक्सचर, और इसके साथ इसके अंदर अब हम क्या मिलाएंगे, वो एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है, वो भी हमारे घर के अंदर मौजूद होता है। जी हाँ, हम मिलाने जा रहे हैं दही। ये दही हम 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है जिसको अच्छा सा मिक्सर बन जाए। दही एक के अंदर एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसको हम ब्लीचिंग अपने काम में आता है हमारे स्किन का, और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ज़बरदस्त बनाने के लिए मैंने डाला है विटामिन ई का कैप्सूल 1। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं ठीक है, वरना ना डालें कोई बात नहीं। इसको अच्छे से इसका मिक्सर बनाइए और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए ज़रा सा थिकनेस है, तो मैं थोड़ा सा दही और ज़्यादा ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब। ये इतना मिक्सर जो हमारे फेस के लिए और हाथों के लिए काफ़ी होगा, और ये आपकी स्किन को ग्लो करेगा, और इसके साथ ही आपके एक्नी स्कार्स को भी रिमूव करेगा, डेड स्किन रिमूव करेगा इसके साथ। और ये बहुत ज़बरदस्त ये हमारा स्किन टोन ब्राइटन करने का फॉर्मूला है। ये देखिए मैं अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ, और इसको एक बात और बताती चलूँ, अगर आप हाथों पे अप्लाई करने के बाद इसको और फेस पे भी अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मसाज करिएगा ताकि ये हमारे अच्छी तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो और इसके मसाज से हमारी डेड स्किन रिमूव भी हो। अब इसको अप्लाई कर दिया, इसको मसाज के बाद आपने क्या करना है, इसको रहने देना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो ये जब तक ड्राई होता है तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये इसका मेरे हाथों का टेक्सचर कैसा होगा। जी देखिए ड्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी। देखिए मैंने रिमूव किया, कितना अच्छा ब्राइटन ग्लो आया, खुद आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा ग्लो आ चुका है और एक ही बार में लगाने में, और जब हम मुसलसल इसको इस्तेमाल करेंगे तो कितना अच्छा वाइटनिंग टोन हमारी स्किन की हो जाएगी, कितना इम्प्रूव कर गया है ये मेरा स्किन का जो है
हाथों का रंगत कितनी अच्छी हो गई है। और इसको, इस पाउडर को आपने बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में रखना है ताकि जब भी इस्तेमाल करें तो हमारा ये जो ज़बरदस्त सा फेस पैक है वो इजीली इस्तेमाल होगी। देखिए हाथों में फ़र्क देखिए। चलें आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में फिया को ज़रूर याद रखिएगा। मैंने आपको हर चीज़ के इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप स्माइलिंग। अस्सलामुअलैकुम।